और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन पर फाइनल मोहर लोकसभा चुनावों को लेकर। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 10 सीटें मांग रही है और समाजवादी पार्टी 10 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी अपडेट से मीडिया हलचल पर। यूपी में गठबंधन से कांग्रेस को 10 सीटों का प्रस्ताव मिल गया है और कांग्रेस यूपी में 10 सीटों पर चुनावी मैदान में कूद सकती है। 10 प्रस्तावित सीटें ये कौन सी होंगी, इस पर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सपा और आरएलडी मिलकर कांग्रेस को 10 सीटें उत्तर प्रदेश में दे सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी 60 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ सकती है और इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने के लिए सपा से सहमति बन गई है और उत्तर प्रदेश की 80 में से 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। आरएलडी के कोटे में 7 सीटों तक देने का प्रस्ताव है, 5 से 7 सीटें हो सकती हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के खाते में, जबकि चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पिछले दिनों ही कहा कि वो नगीना सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उनकी इस मांग पर मोहर भी लगा दी और कह दिया कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ है वो नगीना सीट से चुनावी मैदान में होंगे और इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट उनको दी जाएगी, यानी कि उनको जिताने का पूरा प्लान समाजवादी पार्टी की ओर से तैयार किया गया है। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए बड़ी अपडेट, 10 सीटें प्रदेश में देने के लिए समाजवादी पार्टी राजी हो गई है। इन 10 में से 2 अहम सीटें तो वही होंगी जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी भी इस बार चुनावी मैदान में कूद सकती हैं। इसके अलावा तमाम अन्य क्षेत्रों में 8 अन्य सीटें भी कांग्रेस को दी जा सकती हैं। बात की जाए गठबंधन के अन्य साथियों की, तो फिर आरएलडी के खाते में 5 से 7 सीटें और बाकी जो 2-3 सीटें बची हैं वो भी अन्य सहयोगियों को दी जा सकती है, जिसमें अपना दल, महान दल और तमाम कई छोटी पार्टियां शामिल हैं जिन्हें एक एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है। फिलहाल बड़ी अपडेट है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी गठबंधन, जिस पर लगातार चर्चा चल रही थी। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा कैसे होगा, उस पर अंतिम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 10 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 10 सीटों का प्रस्ताव सपा की ओर से दे दिया गया है। आरएलडी की बात की जाए तो आरएलडी को भी इस कोटे से 5 या 7 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि आरएलडी ज्यादा सीटें मांग रही थी, लेकिन जिस तरह से पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए गठबंधन का, उसमें 7 सीटें ही आरएलडी को मिली हैं और यही वजह आरएलडी 7 सीटों पर संतोष कर सकती है। कांग्रेस के लिए 10 सीटें मिलना भी काफी माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 सीटें देने के लिए भी शुरुआत में राजी नहीं थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सम्मान को बचाते हुए 10 सीटें देने का प्रस्ताव दिया गया है। 10 सीटें कौन सी होंगी, इस पर फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कम से कम 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे ये तय हो चुका है, यानी कि 20 सीटों पर ही गठबंधन साथियों को साथ मिलेगा और 10 सीटों पर उनमें से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, बाकी पर आरएलडी और अन्य सहयोगियों के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हमने आपको बताई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में रार बनी हुई थी, वो कम से कम अब स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं और लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसमें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत ही समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 60 सीटों पर सपा के उम्मीदवार देखने को मिलेंगे, इसके अलावा 10 सीटों पर कांग्रेस और 10 पर अन्य सहयोगियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूदेंगे।